दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक शख्स के बारे में जिनकी उम्र 92 इयर्स की होती है। वो अपने बर्थ प्लेस में जाना चाहते हैं और उनकी बर्थ प्लेस होती है पाकिस्तान में, लेकिन पार्टीशन के बाद वो इंडिया में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आप में फिर टाइम निकलता जाता है और बहुत से सालों बाद उनकी इच्छा होती है कि वो अपने बर्थ प्लेस जाए, उन लोगों से, उनके समय के लोगों से मिले और जान सके अब वहाँ क्या हाल है। तो ये वीडियो उस बारे में है, चलो वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। पैदल आते आते भी कई कई लोगों को मार दिया गया, कुछ लोग जिंदा पहुंच गए। हमारे तो वहां कई लड़कियों ने अपनी इज्जत बताने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। बड़ा खतरनाक माहौल था उस वक्त, आदमी रहा ही नहीं, वैशी बन गए थे सब, उधर भी और इधर भी दोनों तरफ। पाकिस्तान जाना चाहता। मुझे शेखुपुरा देखना है, मुझे अपना घर और दुकान भी देखनी है। कोई कहता है मत जाओ, कोई कहता है चले जाओ, ज्यादा लोग कहते हैं मत जाओ, वहां खतरा है। भाई हमारा वो वहां जन्म हुआ, गुजरा वाला अनडिवाइडेड इंडिया,
मैं 5 साल पहले भी उनके पास गया था कि मुझे वीसा दो। कहने लगे पाकिस्तान जाके क्या करोगे। मैंने कहा घर है बड़े हुए तो वहाँ जाएंगे, जैसे यहाँ मकान वैसे वहाँ मकान। कहने लगे फिर हमने वीसा दे से, तो मैं चुप करके आ गया। फिर दोबारा गए तो एप्लीकेशन भर के ले गए, 5-7 साल बैठ गया। हम 9 बजे निकल रहे हैं, उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे, फिर वहां से क्रॉस करेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा कोई धर्म की जगह थोड़ी है हमारी, हमने तो मना ही किया। क्या करना है पाकिस्तान जाके, वहां से तो लड़ाइयां हुई, मार पटाई हुई, सब हुआ, तो वहां क्या करना जाके, ये आज तक मना हुआ ही नहीं है। यहाँ तो पाकिस्तान के बारे में सुनने को अच्छा नहीं मिलता। हाँ वो उसको पढ़ के देखते हैं, खतरा है वो, मत जाओ। नहीं होगा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पाकिस्तान जा रहा हूँ अपने छोटे भाई के साथ और भांजे के साथ। मैं तो इतने सालों से नहीं वेट कर रहा, ये तो भाई साहब का प्रोग्राम बना, हमने भी बना दिया। हाँ तो वैसे में बड़ा अच्छा लग रहा है, अपना शहर देखेंगे बस। निकलो जान बचाओ, क्या करेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये कुछ जान बचाओ। मकान बंद करके आएंगे तो शायद वापस आएंगे, अपने मित्रों को मिलेगा तो मिलेगा, दोस्तों कहाँ के कहाँ चले गए। 92 साल का मैं हो गया, खुद तो है तो है, और जो तुम्हारा भाई अभी गया हुआ है ये लौट के आएगा, इसको बोलेंगे ले तुम 5,000 रुपये दे रहे हैं, बड़ा ये समझ ले जाओ। अरे पाकिस्तान ने इंडिया का ख्याल कर रखा है, डेली हर एक खान होता है, डेली एक हथियार आता है, डेली एक हीरो जा रही है, डेली बंदों को मार रहे हैं, किसी फौजी मार, किसी सीआर मार रहे हैं, कहीं आर्मी मार रही है।
धन्यवाद भगवान को देता हूं। पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके अच्छा है, मौसम अच्छा है, ऐसे हमारे भी उधर पंजाब में ऐसे ही होते हैं, मिट्टी भी इको जी बंदे इको जय। सलाम अलैकुम। मुझे लाहौर देखना है कि वहां कैसे लोग रह रहे हैं, वो मुझसे अच्छी तरह मिलते हैं नहीं मिलते। बाजार चौड़ा कर दिया, ये है बोलता रंग महल ये लिखा है जी, गवर्नमेंट रंग महल हाई स्कूल। ए बच्चों खुश रहो। और अच्छे बच्चे बनो, देश की तरक्की के लिए काम करो। यहाँ तो आराम ही मिलेगा। दुकान कौन से भर पड़े? और तो हमारा घर है। ये देखो, ये चार 500 रुपए छोटा नोट, ये नोट छोटे हैं, पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है, यकीन करें। मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा था इसी पार्क में, जब ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान बनना है, हम वैसे ठीक नहीं समझे, मजहब के बिना पे मुल्क किसी की तकसीम नहीं समझते। ठीक, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा वाह भाई वाह, करने तो करने। लो जी, आज लगता है रोने लगे हैं। अंकल जी क्यों रो रहे हैं? रोन क्यों दे हो? रो क्यों रहे हो? ए खुशी के आंसू आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू है, रोना नहीं है, ये रोना नहीं है। हमारी दुकान अपनी दुकान वापस लेने आ गए। हमारे पिताजी की आवाज़ बड़ी तेज थी, उनकी आवाज़ इधर जो रेट माल का तय होता था उनकी आवाज़ उधर जाती थी और उनकी आवाज़ इधर आती थी। तो वो दुकान हमारी थी जिसको हम छोड़ के गए, लोगों पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पॉलिटिशियन की और बात है, लोग ऐसे ही है। देखो ये आदमी कैसा अच्छा है, वो आदमी कैसा अच्छा है, सब आदमी एक जैसे हैं। मुझे याद है कि यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर बिल्कुल याद है।
मेरा घर वहाँ है, वहाँ उस जगह। मुझे वो याद आ रहा है सारा सीन जो इसमें हुआ था। वो चार पांच छह लोग पड़े थे, खून से लथपथ हुए वहाँ, उनको खंजर लगे हुए थे, क्या था। तो उसने मुझको बोला यही तुम्हारी दादी थी। उसके बाद मैं भी चुप और वो भी चुप हो गया। कुछ नहीं हमने देखना। अब नहीं भाई साहब कुछ नहीं देखना, हमें पता है टप्पा लगवाना है। ऐसे दो दिन रहना शेखपुरे, तीन दिन लिखवा लेंगे फिर उठे कि मैं दो दिन रहा शेखपुरे। कल लिखवाया कि मैं दो तीन दिन रहूंगा। दो भाइयों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, उनका और मेरे स्वभाव में बहुत फर्क है। मेरे छोटे भाई का भी कुछ मन था, छोटी उम्र में ना तो कोई उसके दोस्त थे ऐसे, और ना उसको कुछ ऐसा लगाव था छोटे से। ना हम पढ़े हैं उस स्कूल में जाएंगे, अपने मित्रों को मिलेगा तो मिलेगा, स्कूल सबको याद आता है, जो पढ़ा लिखा लड़का उसे सबको स्कूल याद आता है, किसको नहीं आता बताओ, इतने खड़े हैं किसको नहीं स्कूल। मैंने एक बार स्कूल का डिसिप्लिन थोड़ा सा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ आ रहे थे, मैंने कहा भी मैं उसका लेक्चर सुनने जाऊँगा, मुझे हेडमास्टर साहब ने मना कर दिया नहीं जा सकते, और उन्होंने मना कर दिया, यहाँ से हम कूद के निकल गए दो लड़के। ये जो दीवार है ना, नहीं नहीं दीवार भी नहीं, सीढ़ियों पे, ये अलमारियों पे तारे वाले नहीं थी, नहीं ये बाद में ठीक है सब। मैं इसमें से भाग के गया था, बिल्कुल उसने हमारी जिंदगी बदल दी पार्टीशन ने। मजहब तो ने सिखा था आपस में बैर रखना, और मास्टर भी शौक से पढ़ाते थे, बड़े शौक से मास्टर पढ़ाते थे। बेटा ये आपके जो सामने खड़े हैं इनका नाम है कृष्ण, ये 1940 में यहाँ इस स्कूल में पढ़ के गए हैं दहम जवाब। हाँ जी, कभी कोई कोई इंडियन कोई और आया है कोई आपका इस तरह, जैसे ये मिस्टर आए हैं आपके, कोई भी आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो देखना, और वो नुमाइंदा भी वो जिनको प्यार हमसे भी है और उनसे भी होगा,
तो आप अपने कोई ना कोई शेयर कर सकते हैं। मैंने ये पूछना है कि हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान के आवाम से पाकिस्तान से क्यों ही नहीं था नहीं लोगों को तो नफरत नहीं है मैं नफरत तो जो आता यहाँ नफरत आदमियों को आदमियों से नहीं है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से नफरत है मैं स्कूल में गया तो बहुत आनंद आया बच्चों ने भी बड़ी खुशी से उत्साह से मिले मैंने ऐसा महसूस किया कि हिंदुस्तान के लोग क्या और पाकिस्तान के लोग क्या आपस में एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं साथ है ना इनको कैसे छोड़ दो ये बात है ना ये कह के हमें छोड़ दिया साथ ले गया वैसे जाना पड़े जी जी नहीं कर रहा जी दो दिन और रहने का इधर अब ये नहीं मानते हो क्या सर ना 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 नहीं भैया मैंने करना नहीं हमने बहुत बड़ा पाकिस्तान घूम लिया है बहुत नहीं सच्ची बात है कोई तो इनके जमाने का कोई तो वहाँ आदमी नहीं मिला हम सारा दिन धक्के खाते रहे अगले दिन फिर धक्के खाए इनका तो आदमी को नहीं मिला वो कहते हैं ऐसा कहाँ भैया कोई नहीं है यहाँ मर खप गए सारे तो खा वहाँ बैठो ना लेना ना देना ना जी तो नहीं कर रहा जी तो इधर रहने का है दो दिन और रहने का लेकिन जाना पड़ेगा कर लिया दोनों भाइयों ने और भाई कैसे थे है? कैसे थे भाई बड़े अच्छे बड़े प्रेम से बात की उन्होंने तो दादाजी जो आपकी दुकान थी ये उन्होंने बना लिया नहीं दादाजी यहाँ पे दादाजी वहाँ पे सरदार तो मिल के रहते थे मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम कम्युनिटी से मिल के रहते हैं वो दादाजी आपको कोई पुराना इंसान मिला जो आपको जानता कोई पुराना नहीं मिला टेररिज्म कैसे वहाँ टेररिज्म कैसे टेररिज्म आतंक कैसा आतंकवाद आतंकवाद हमें तो कोई नजर नहीं है दादाजी आप वहाँ पे एक शेखू दादाजी बड़े प्रेम से लोग दादाजी का बहुत मन है मैं अपना यूएस का वीजा लगवा के फिर जाऊंगी दादाजी के साथ पाकिस्तान दादाजी आप दोबारा से चले जाओ ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV नमस्कार मैं हूं सिक्तादी और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट आज की सबसे बड़ी खबर भारत ने पहली बार POK के आतंकी कैंपों पर धावा बोलकर कमांडो की पांच टीम में अभियान में दो पाक सैनिक मारे गए 38 आतंकवादी मारे गए दो से तीन उनके दिल में एक हिंदुस्तान के लिए प्यार है जो आपके मुसलमान दोस्त हैं सबसे बात करो कि हिंदुस्तान का जो मजहब के बिना पे बंटवारा वो गलत है और तुम कहो
असल बात जो है हमारा और उनका रिश्ता है जबान का। गांधी जी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे पार्टीशन हो, वो चाहते मेरी लाश पे बनेगा और उनकी लाश पे बन गया पाकिस्तान। हमारा सपना है ये दोनों देश अलग अलग रह नहीं सकते। एक दिन ऐसा आएगा हमारा देखना हो या ना देखना हो, ये एक हो जाएंगे। किस तरह एक हो ये भगवान जानते, हम नहीं जानते। सच में वीडियो लाजवाब थी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इस वीडियो के बारे में जो मुझे बहुत अच्छे लगे। स्पेशली वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जाने के पहले कौन सी चीज़ें थी उनके उनके मन में कि वो एक दूसरे देश में जा रहे हैं, जहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्हें लोग कहते हैं कि वहाँ पे ये आपको ये हो सकता है, आप ज़िंदा भी आओगे या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर वहाँ जाने पर और फिर वहाँ जाने पर उन्हें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ मोमेंट्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जब वो अपने जब वो गार्डन में जाते हैं वो, तो उन्हें किस्सा याद आता है कि यहाँ पे ही वो पढ़ाई कर रहे, वहाँ पे ही वो पढ़ाई कर रहे होते जब उन्हें खबर मिलती है कि दोनों देशों का बंटवारा हो गया है। और सडनली मतलब वो एक ऐसा समय है जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ चेंज हो गया। एक ऐसा डिसीजन है तो काफ़ी सारी जिंदगियां बदल गई तो, सच में ऐसे मोमेंट्स मतलब क्या जिन पे गुजरी होती है वही बता सकते हैं, और किसी को और लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इन चीज़ों का। अपने पुश्तैनी कैमरे में वो बैठते हैं, बहुत सारी उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सच में वन ऑफ द इमोशनल मोमेंट्स। और इसके साथ ही उनके उनके भाई के बीच में का मतलब इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पहले से वहाँ पले बड़े, उन्होंने बहुत उन्होंने अपने स्टार्टिंग 22 साल वहाँ गुजारे हुए थे, तो उनका अटैचमेंट जाहिर से बात ही बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू उनके भाई से। लेकिन एक तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि लोग किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, कि किस गर्म जोशी से उनसे मिलते जुलते हैं। और जब वो अपने स्कूल में पहुंचते हैं तो उन्हें सवाल भी पूछ एक बच्चा पूछता है कि उस देश के लोग नफरत क्यों करते, तो उनका जो जवाब है काफ़ी अच्छा जवाब है। और उसके साथ ही कुछ मोमेंट्स और जैसे कि वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का स्पीच सुनने के लिए वो छलांग मार के चले जाते हैं। वो अपने स्कूल के जो मैं से बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें चेंज हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ओवरऑल उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रहती है, वो और रहना चाहते लेकिन उन्हें उनके पास टाइम नहीं होता है। और सबसे खास बात, जब वो वापस आते हैं तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन से जो सवाल पूछते हैं कि कैसे आपका टाइम कैसा था वहाँ पे, आपको आपके दोस्त मिले या नहीं मिले, तो उनका जवाब रहता है कोई नहीं मिले। और उनकी जो पोती बोलती है कि अगर यूएस का वीज़ा लगा तो फिर मैं आपको एक बार लेके जाऊँ, क्योंकि बस एक तरह से वो समझ जाते हैं कि उनका अटैचमेंट बहुत है और ये जर्नी अभी भी उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। और एक सवाल जब वो बच्चा पूछता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म कैसा है, तो जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और उनका जवाब भी उस पर लाजवाब है। तो ओवरऑल ये वीडियो हमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताता है। एक आदमी की पूरी जर्नी कैसे एक डिसीजन बहुत सारे लोग जिंदगी को बदल देता है, सच में काफ़ी अच्छा वीडियो था। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।